बात किया जाए तो ये वाला गेम मेरे ख्याल से जो है पाकिस्तानी एम गॉड्स के हाथ से यहाँ पे मेरे ख्याल से जाएगा। अगर दो प्लेयर को भी अगर नॉक करते हैं फिर भी कोई फायदा नहीं है, 7-5 का स्कोर। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं एक आपको तगड़ी वेबसाइट के बारे में बताना चाहूँगा जहाँ पे आप लोग अनलिमिटेड फॉलोअर्स गेन कर सकते हो। इस वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पे आपको एक अपनी फेक आईडी बना के लॉगिन कर लेना है और नीचे आपको गेन फॉलोअर्स का ऑप्शन मिल जाएगा, वहाँ पे अपना मेन अकाउंट डालना है। ठीक है, जैसे कि मैं एविल 404 वाला डाल के दिखा रहा हूँ। बाद में आपको अमाउंट टाइप करना है, यहाँ पे मैंने अमाउंट टाइप कर दिया 50 का। एंड हमें थोड़ी देर वेट करना है, हमारे फॉलोअर्स धीरे धीरे करके आना स्टार्ट हो जाएंगे। बहुत ही तगड़ी वेबसाइट है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मेरे फॉलोअर्स आने स्टार्ट हो चुके हैं। फटाफट से जाओ और अपने फॉलोअर्स गेन करो। शुक्रिया, चलिए देखते हैं 1-0 का स्कोर क्या अब एनएक्सटी के खाते में जाने वाला है या फिर पाकिस्तान जो अपने हाथों में यहाँ पे देने वाले हैं। ओके, इंडिया बनम भारत, इंडिया बनम पाकिस्तान का ये मैच बोल सकते हो। और देखते ही देखते दो दो प्लेयर को पहले ही गवा चुके हैं, लास्ट एक प्लेयर अब अकेले ईगल रॉकी कितना देर यहाँ पे टिकेंगे पता नहीं, क्योंकि 1v4 का सिचुएशन कहीं ना कहीं यहाँ पे संभालना पड़ेगा। विशाल को बहुत ही इजी तरीके से रिवाइव मिल जाएगा और टोरेन नाइस, लेकिन ईगल रॉकी जाते थे एक प्लेयर को डाउन करके गए थे और उसका फायदा नहीं हुआ क्योंकि फिनिश तो यहाँ पे होना ही था, तो लिखा हुआ था। चलेगा 1-0 का स्कोर, चलिए 1-1 का स्कोर, 3-1 का स्कोर। भाई एनएक्सटी धीरे धीरे पिछड़ रही है इस गेम से। और ये लीजिएगा भाई, क्यों लूफी भाई, किस लिए ये सेंस मुझे समझ नहीं आया, ये सेंस मुझे सच में समझ नहीं आया कि जाके ओपन में जाके यहाँ पे बैठ जाना। देखते ईगल रॉकी ने एक और अगर निकाल लिया ना, लेकिन नहीं इस बार बहुत, चार प्लेयर एक साथ रश करेंगे तो कैसे चलेगा। 3-2 का स्कोर, जबरदस्त खेलते हुए। चलिए कीजिए वाला लाइन, ओरे नाइस निक भाई ओपी, लेकिन रॉकी को एक बार डाउन किया गया स्टार्टिंग वाला, एक बार बहुत बड़ा मछली और वो भी टीम लीडर क्लासी भाई की तरफ से जो है यहाँ पे डाउन किया गया है रॉकी को। ओरे नाइस गाइस, जाते जाते दो दो प्लेयर को डाउन करके गया, मेरे ख्याल से रिवाइव दे देंगे अगर जल्द ही यहाँ पे रश नहीं किया तो। ये गाइस ये गड़बड़ कर दिया, बहुत बढ़िया मैडिक की तरफ से डाउन आया है, दूसरा डाउन भी यहाँ पे जो है क्लासिफाई की तरफ से देखने को मिलेगा। इसका मतलब जो है 1v4 का सिचुएशन किसके लिए रहेगा, नहीं 1v4 का सिचुएशन रहेगा, लोफी भी खत्म, मार्टिन यहाँ पे बचे रहेंगे और मार्टिन को भी खत्म कर दिया जाएगा, बिल्कुल खत्म कर दिया जाएगा। 3-3 का स्कोर, जबरदस्त 3-3। अरे क्लासिफाई का डाउन बहुत बढ़िया, अरे भैया नॉक को भी हेड इसी के साथ करते हुए लीडर फॉर अ रीजन, एक और अगर नॉक निकल, ओहो भाई सब क्लासी भाई ओपी आपे शॉट लीजिए भाई 4-3। ये क्या हो रहा है भाई, एनएक्सटी अलग अलग ही, मुझे ये क्या हो रहा है, आंखों पे विश्वास नहीं हो रहा है, एनएक्सटी अचानक से क्या ही खेलने लग गए। ओके वापस रश भाई, क्या रश भाई, ये रश का ये सीन मुझे समझ नहीं आता यार, इतना तगड़ा रश वो भी, और लो खत्म एक और दो प्लेयर को डाउन। बहुत पहले मेरे चैट में यहाँ पे आया था, मैं यहाँ पे ऐसे बंदों को टाइम आउट देता हूँ या फिर कुछ बोलता हूँ, यार तुम सेकुलर बनने का कोशिश कर रहे हो, अरे भाई रेस्पेक्ट करो यार सब चीजों का, सेकुलर वेकुलर पता नहीं क्या क्या उल्टा सीधा कुछ भी बोलता था, मेरे को उल्टा बात सुनाएगा सही बंदे। अरे नाइस भाई, मैं तो कास्टिंग भी नहीं कर पाया इस वाले राउंड पर, देख सकते हो भाई क्लासी भाई का 11 किल, जबरदस्त गए यहाँ पे खेलते हुए, 6-5 का स्कोर तब चल रहा था शायद, कौन सा टीम का मैच, एनआर का मैच चल रहा था, 3v3 थोड़ा सा गेम की तरफ यहाँ पे फोकस देते हैं, गेम की तरफ अगर देखा जाए तो ब्लिट्स ने इसी के साथ दो दो प्लेयर डाउन और 3 प्लेयर डाउन, यानी बात किया जाए तो ये वाला गेम मेरे ख्याल से जो है पाकिस्तानी एम गॉड्स के हाथ से यहाँ पे मेरे ख्याल से जाएगा। अगर दो प्लेयर को भी अगर नॉक करते हैं फिर भी कोई फायदा नहीं है, 7-5 का स्कोर, एनएक्सटी करेगी क्या ही जबरदस्त तरीके से यहाँ पे कम, मैं बोलूंगा कम बैक करके यहाँ पे फिनिश करना। रुको अब गए तो पहले थोड़ा सा बातचीत यहाँ पे करना,